हेलो दोस्तों, क्या आपको भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एचटीएमएल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और एचटीएमएल के फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस वेबसाइट से कन्वर्ट करेंगे, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको हम लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो आ चुके हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब हम सबसे पहले अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम सर्च कर लेंगे ilovepdf.com। तो दोस्तों जैसे ही अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे, हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि इस साइट के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने पीडीएफ के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऑल पीडीएफ टूल्स में। उसके बाद यहाँ पे हम इसके जो मेन कार्य है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कन्वर्ट टू पीडीएफ, कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ, के बाद एडिट पीडीएफ। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जेपीजी टू पीडीएफ, उसके बाद वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, एक्सेल टू पीडीएफ और एचटीएमएल टू पीडीएफ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम जेपीजी के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्ड के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सेल के फाइल को पीडीएफ में कर सकते हैं, उसके बाद एचटीएमएल के फाइल को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी पीडीएफ को किसी भी फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसके साथ ही साथ में हम अपने पीडीएफ को एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको इस वीडियो में सीखना है कि वर्ड के फाइल को पीडीएफ में से कन्वर्ट करना। तो हमको यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिल जाएगा देखने को कि वर्ड टू पीडीएफ, वर्ड के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको सिलेक्ट वर्ड फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के अंदर भेज देगा कि आप अपने फाइल को सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे हमारा जो भी फाइल रहेगा उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, जो फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा समय लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी फाइल था उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डाउनलोड हो गया, ये आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड में चला जाएगा। ये देखिए आपका जो भी फाइल था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।